और कहाँ गया तो जाते हैं अप्लीकेशन दे हो कहाँ दे जा रहे हैं अप्लीकेशन देने जा रहे हो किसके खिलाफ लल्ला पठान अच्छा ये कर सके हैं क्या कहा तुमसे हमसे कहीं कि हम कहें कि हमारे गन्ने वो पहली का फूक दियो तो फिर हम जानते ना इनको आग लगाया गया है हम ना लगाए गए नहीं तो हम कहें तुम ना लगाओ तो जासर को खतरा फूकू न दी हमारे आस पास में है पड़े हैं तो जासर को फूक ना दिया अब वही कहा कि कौन लोग फूक दिया वही हमको कहे ना अच्छा वह फूके नहीं अब फूके वह है और उनको शाम कहीं आप और उनको फूके ये कब फूका है ये बुद्ध कहीं शाम कहें तो हम जान नहीं पाया नहीं कि किस टाइम फूका गवा है जब हम जासर आदमी हमसे बताई थे कि तुम्हारा गन्ना जला पड़ा है नहीं तो गेहूं की नरई कौन फूका है वो तो लल्ला फूके तो उन्हीं से जला होगा हाँ उन्हीं से जला और जला किस ये निहायत मोतीलाल हैं करसा के निवासी हैं और गरीब आदमी हैं और बहुत निहायत गरीब हैं और ये देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से इसकी दबंगई हावी है लल्ला की करसा गाँव का है और काफ़ी ऊंची पहुंच वाला अपने को बता रहा है और इसके हौसले बुलंद कितने हैं कि कह रहा थाने को जाइए जो होगा हम निपट लेंगे लेकिन पैसा एक नहीं देंगे। दबंगई आप लोग देखेंगे पीड़ित को किस प्रकार से परेशान कर रखा है और उसने इसकी पेड़ी फूंक दी है 1.5-2 बीघे करीब और जब वो पानी या कुछ मांगने के लिए कहा तो उस पर दबंगई कर रहा है और उसको कुछ देने से इनकार कर रहा है और उसके हौसले बुलंद देखिए कितने हैं कि वो कह रहा थाने में जाके रिपोर्ट कर दो। क्या हुआ है बताएं पीड़ित से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोतीलाल। मोतीलाल कहाँ रहते हैं आप? करसा। क्या हुआ है? क्या हुआ पेड़ी हमारे को फूंक दी ना को लल्ला पठान किसके लड़के हैं? वो रिशाद नाम है। किसके लड़के हैं लल्ला पठान? इरशाद के। ये कहाँ रहते हैं? फिर क्या हुआ? फिर जब हम कहे लगे कि जो है आपस में समझ लो और थोड़ा बहुत हमको दे दो जो है पानी लगा तो हमसे उल्टा कहते हैं कि वहाँ जाके यहाँ पानी भर दो जाके हमारे पास रुपया ना है जो हम पानी भरी जाते हैं पूरी पेड़ी जल गए ऊपर कहते हैं पानी तुम भरो जाके हम तो हम कहें कि जो है तो हम थाने चले जाब तो कहीं जाओ थाने चले जाओ बाजार गए पकड़ो। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से लल्ला पठान की गुंडागर्दी और दबंगई हावी है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांट रहा है और जो है उल्टे चोर कोतवाल वाली कहावत यहाँ पे दिखने को मिल रही है क्योंकि उसकी अपनी पराली फूंक रहा था गेहूं की और उसकी के साथ में इसका गेहूं की गन्ने की पेड़ी करीब 2 बीघे जल गई है और जब इसने कहा कि पैसे दे दो तो हम इसमें पानी लगा दें और जिससे कि वो हो जाए लेकिन वो कुछ नहीं देने के कह रहा है।